देवास शहर में बंद पड़े मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि राहुल पवार द्वारा बताया गया है कि शहर में संजीवनी क्लिनिक आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, लेकिन यह पिछले कई समय से बंद पड़े हैं, जिस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई इस ओर ध्यान है। वहीं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, जो करोड़ों की लागत से बनाए गए हैं, लेकिन यह संजीवनी क्लिनिक बंद पड़े हैं। ना ही यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। शहर की जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसे लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन है और आगे भी हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पार्षदगण मौजूद रहे। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संजीवनी की विषय बताए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर आप सब आग पर पट्टी बांध कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रदेश सरकार की मनमानी, जिला प्रशासन की मनमानी को लेकर आज हम कांग्रेस पार्षद दल यहाँ संजीवनी क्लिनिक कर बाहर बैठे हैं। आँख पर पट्टी बांधकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार आँख पर पट्टी बांधकर प्रदेश को चला रही है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि एक साल पूर्व यह देवास की संजीवनियाँ बनाई गई। सारी संजीवनियों पर आज ताले लगे हुए हैं, कहीं पर कपड़े सूख रहे हैं तो कहीं पर आवारा तत्वों द्वारा जमावड़ा लगा हुआ है, तो कहीं पर जानवर बैठे हुए हैं, और कहीं दीवालों पर पानी चू रहा है तो कहीं रेलिंगें उखड़ रही है। परंतु आज दिनांक तक यह संजीवनी नहीं चालू की गई। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर नर्स ना कोई स्टाफ भेजा गया, जिससे कि आसपास की रहवासियों को, जनता को उपचार मिल सके, सुविधाएं मिल सके, लाभ मिल सके। उन्हें यहाँ से जाकर MG हॉस्पिटल जाना पड़ता है, MG हॉस्पिटल से रेफर कर उन्हें इंदौर भेज दिया जाता है। परंतु देवास की जनता के लिए कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई संजीवनी आज जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना तो कोई साफ सफाई हो रही है, ना पे कोई देखने वाला है। क्या एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? ये सरासर बड़ा घोटाला है। कुछ दिन पूर्व MG हॉस्पिटल में बड़ा घोटाला सामने आया था, वही ये बड़ा घोटाला आज फिर हमारे सामने है। करोड़ों की लागत से बनाई गई संजीवनी आज बंद पड़ी हुई है। कब तक चलेगा आपका ये विरोध प्रदर्शन और आगे क्या कुछ रहेगा कार्रवाई? हमने पहले भी मांग की थी संजीवनी क्लिनिक को चालू करने के लिए, आज फिर हमने धरना प्रदर्शन किया है आँख पे पट्टी बांधकर। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सारी संजीवनियाँ चालू की जाए, डॉक्टर नर्स और स्टाफ भेजा जाए, जिससे कि आम जनता को उपचार मिल सके, सुविधाएं मिल सके, राहत मिल सके। आपका परिचय? राहुल पवार, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि नगर निगम देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।